Where from? 10 rupiah. 10 rupiah. Where are you from, sir? तो अब हम सेवे करी है, ठीक है, जॉब करता हूँ, फैमिली है, सब करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब मंदिर में जल्दी जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, दत्तर भगवान से पूछते हैं। अच्छा, प्रॉपर से दर्शन करते हैं। इसलिए अब मुझे वहाँ पर नहीं जाना है। अब चलते हैं वापस, मुझे नहीं जाना है वहाँ पर, ये लोग मिल गया इसलिए अब इसके साथ वापस जा रहा हूँ अभी। अगर दुनिया में कहीं पर भी स्वर्ग है तो गुजरात तो में जूनागढ़ में और गिरनार में। जय गिरनारी, जय गिरनारी, जय गिरनारी। अशोक भाई, बोलो भाई, कैसे थकान हो रही है अभी? थकान लगी थी पहले, दो हजार पकड़ दिया चलने के बाद, हमारे संसी लल्लत बापू की जगह पे गए, आशीर्वाद लिया, उसके बाद थकान चली गई है। काम दिला, देखो ये लोग फोटो खींचते हैं, देखो अशोक भाई को पोज देना बहुत बढ़िया आता है। पोज देना सिखा दिया यूट्यूबर ने। देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अभी देखो बादलों के बीच में अभी हम लोग चल रहे हैं। वाव, वेरी नाइस, जन्नत। अभी दोस्तों फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, देखो पूरा बादल है, बादल ही बादल है यहाँ पर दोस्तों, देखो। देखो कितना बड़ा, देखो ये पत्थर, देखो और पुतन वजह नहीं नसीब ना। जय गया, जय गया भाई, आ गई मुझे बोले। રાણક દેવી દેવી નો થાપો હોય જે પથ્થર પડતો હતો, રાણક દેવી થાપો માર્યો ત્યાં પથ્થર ઉભો રહી ગયો ત્યાંનો, આ નિશાની બહુ ઇતિહાસની આપણે થોડી ઘણી ખબર હે, રાણક દેવી હે એમનો પથ્થર રહે, કોઈ પણ ગિરના ચડવા આવે ત્યાં દર્શન કરે, રાણક દેવીનો આશીર્વાદ લે, ને એ આશીર્વાદ લઈને શક્તિ આપે ગિરના ચડવાની,
रानक देवी जब क्रोधित हुए और उसने बोला कि गिरनार तो गिर क्यों नहीं गया, तब यह पत्थर गिरने लगा था और फिर सब लोगों ने बोला कि यह जूनागढ़ को तबाह कर देगा, इसको रोको। और फिर रानक देवी ने उसे बोला कि खम्मा रुक जा, फिर ये पत्थर रुक गया था। ये वही ये पत्थर है दोस्तों, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है रानक देवी, आप देख सकते हैं दोस्तों। जो तमे તમારો અહંકાર મૂકીને આવો ભાવના તળેટીમાં ઓડાના પણ તો તમને કોઈ દિવસ ગિરનાર ચડતા થાક નહીં લાગે। અમારા ઝાલાવાડના માણસો માયાળુ માણસો અમને મળી ગયા છે અને ધાંગધ્રા પંથકના માણસો છે, તો અમે એમની સાથે કંઈક વાત કરીએ કે દુહાસણ લલકાર છે અમારો ઝાલાવાડ, હો ભાઈ ઝાલાવાડ જીજે તેર ધાંગધ્રા કઈ નો ઘટે મોગલ મારી Excuse me. Sir, please, sir. Dairo. Vlog hai, hamara vlog hai. Vlog hai, chala, sir. 10 rupiya. Where from? 10 rupiya. 10 rupiya le raha bhaiya. Where are you from, sir? Where are you from? France. अभी हम लोग पहुंच गए अम्बा जी, हमने दर्शन भी कर लिए है और बहुत थकान हो रही है अभी तो, अभी देखते हैं आगे जा पाते हैं या नहीं, देखते हैं अभी। वीडियो को बोल वीडियो को हम वीडियो को हम बोल मामा ना दर्शन करी ने और जाता ने तो तरफ આપણે આગળ વધવાનો પ્લાન કરી છે, એકલા થોડો નાસ્તો કરીશું, ભગવાન કસોટી કરે, કસોટી માંથી પાર ઉતરવી આપડા ઉપર। 4 ઘંટે હો ગયે અભી તો અભી લોક પહોંચે અંબાજી, हमने दर्शन कर लिए हैं और बीच में मैं व्लॉग नहीं बना पाया, बारिश थी। देखिए दोस्तों, ये है अंबाजी माँ का मंदिर, यहाँ का ये है नज़ारा, आप देख सकते हैं। और अभी आगे जाना है या नहीं देखते हैं, अलग सुझाई बहुत छकन हो रही है, चलो देखते हैं अभी क्या करना है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, खाना खा लिया है, तो वो लोग अभी आगे चलने लगे हैं और मैं पीछे हूँ। अब अम्बा जी से अब यहाँ से गुरु दत्तात्रेय जाना है और 2500 सीढ़ियाँ अभी है, 2500 जाना और 2500 आना। मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि अभी आगे बहुत डिफिकल्ट है और रात भी हो जाएगी, चलो देखते हैं क्या करते हैं अभी। तो दोस्तों अभी ये लोग बोल रहे हैं कि 3-4 घंटे हो जाएंगे और अंधेरा भी हो जाएगा, इसलिए अब मुझे वहाँ पर नहीं जाना है, अब चलते हैं वापस, मुझे नहीं जाना है वहाँ पर।
और वहाँ पर सीढ़ियाँ भी बहुत डिफिकल्ट आती है, इसलिए अब नहीं जाना है आगे। चलो तो फिर यहाँ से चलते हैं वापस। ये लोग मिल गया इसलिए अब इसके साथ वापस जा रहा हूँ अभी। देखिए दोस्तों ये यहाँ का नज़ारा बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। देखिए यहाँ से अगर गिरे तो फिर खेल ख़त्म। बहुत ही डिफिकल्ट सीढ़ियाँ है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों बहुत थकान हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ और सीढ़ियाँ उतरनी है, अब चढ़नी नहीं है। तो फिर मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। आ रहा है बहुत मज़ा, बस और कुछ नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है बहुत। अब देख सकते हैं दोस्तों मेरे शर्ट के ऊपर, देखो ये कैसा पानी, देखो कैसा जम गया है ये शर्ट पूरा, देखो कैसा हो गया, देखो वाइट वाइट बाल भी देखो। दोस्तों अभी यहाँ पर बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है और मुंह से धुआं भी निकल रहा है। आप लोग देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसा नज़ारा है, आप देखिए जैसे भूत के पिक्चर में जैसे देखते हैं ना, ऐसा लग रहा है बिल्कुल वैसा। देखिए थकान हो रही है, पैर भी ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए पूरा बादल का धुआं ही धुआं है, वो दोस्त लोग अंबाजी से आगे से लगे थे गुरु दत्तात्रेय के दर्शन करने के लिए, काफ़ी उत्साहित थे इसलिए वो गए, लेकिन रात को कब वापस आएगी पता नहीं। मुझे टाइम पर पहुंचना है नीचे और कुछ नहीं, बस क्योंकि रात को थोड़ा आराम मिल जाए फिर बाद में जाना है ऊपर कोट, वहाँ के कुछ वीडियो बनाएंगे हम। देखिए ऐसे स्टोर जगह जगह पर आपको मिलेगी, पानी की नाश्ते की कोई चिंता नहीं है, सारे पानी की जब मिलता रहेगा आप जा सकते हैं, जो कुछ भी खाना खा सकते हैं। एक बार नीचे पहुंच जाए फिर मस्त खाना खा के सो जाना है बस। थोड़ा बहुत एडिटिंग हो सका तो थोड़ा बहुत एडिटिंग करेंगे। फिर सो जाएंगे, फिर सुबह जाना है ऊपर कोट, इसलिए थोड़ी थकान कम हो जाए ना, इसलिए जल्दी नीचे जाकर जल्दी खाना खाकर जल्दी सो जाना है बस और कुछ नहीं। ये देखिए कैसा गैप आया है, देखो ऐसे जगह जगह पर ऐसे गेट आते हैं। और फिर दोस्तों जैन देरासर का जो मंदिर है वो कहते हैं ना, वो ये जगह है। आप कहाँ से है जी? पुना से। पुना से? देखिए पुना से भाई है यहाँ पर, नहीं ब्लॉग बना रहा है। ओके ओके, आपका क्या नाम है? अतुल नाम है, हम सब दत्ता मंदिर से, हमारे 10 लोगों का ग्रुप आया था। हाँ हाँ, हर 15 दिन 20 दिन पे हमारे मंदिर से आते ही
मतलब आप पुना से? पुना से। आप क्या करते हैं? आपने ऐसे कपड़े पहने मतलब ये सन? नहीं तो आप... हम सेवेगरी है ठीक है, मैं जॉब करता हूँ, फैमिली है, सब करता हूँ। अच्छा। ठीक है, हाँ ठीक है। अपने मंदिर में जब भी जाते दर्शन के लिए करते दत्त भगवान पूछते। अच्छा। तो प्रॉपर इससे दर्शन देते। अच्छा, अब समझ में आया। जॉब ही कर रहे हैं लेकिन दर्शन करने के लिए ऐसे लिबास में आते हैं, मतलब ये सही है ना? ये अच्छी बात है, सबको ये करना चाहिए। बाकी कपड़े आप रोज हमेशा रोज जॉब के लिए पहनते, सबके लिए पहनते, इसके लिए ये स्पेशल भगवान को ऐसे कपड़े ही पसंद है ना, मतलब ऐसे ही बात है। मैं भावनगर से। भावनगर से? हाँ, बारियादर। आपको ब्लॉग का नाम क्या है? गर्वी गुजरात ब्लॉग। अच्छा। सांबला फिल्म स्टूडियो मेरे मेन चैनल है। ओके। जिसमें मैं शॉर्ट फिल्म, कॉमेडी वीडियो, ओके, वो सब कुछ बनाता हूँ, लाइव एडिट करता हूँ। ओके। और ये ब्लॉग के चैनल है गर्वी गुजरात ब्लॉग, उसमें मैं कभी कभार ऐसे घूमने के तकबीर डालता हूँ। ओके। ऐसे रोजाना नहीं डालता, कोशिश करते हैं लेकिन नहीं डाल पाते। हाँ, वो तो बात है। बराबर। लेकिन जब भी ऐसे कहीं घूमने जाता है ना, हाँ, तो लोग कह लेते हैं। अभी रुकने वाले हैं या फिर चले जाएंगे? आज रात को रुकेंगे, कल सुबह जाएंगे। कल की ट्रेन है 12 बजे की, उससे जाएंगे कल की ट्रेन से। अच्छा। पुणे कितने बजे पहुँच जाएंगे आप? कल नहीं है तो परसों पहुँचेंगे 11 बजे तक पुणे। अच्छा दोस्तों, बहुत थकान हो रही है, पैर भी बहुत दुख रहे हैं, लेकिन ये नज़ारा देखकर थकान चली जाती है। देखो ये नज़ारा, बिल्कुल अकेले, कोई नहीं है, ऐसा लग रहा है शायद स्वर्ग में कुछ ऐसा ही दृश्य होता होगा शायद। दोस्तों कभी कभी आप भी निकलिए सारा टेंशन छोड़कर, अकेले कहीं दूर जाकर ऐसे जगह पर जाइए, सब कुछ भूल जाएंगे। आप सब लोग पुणे से? पुणे। हाँ, पुणे। गाना बज रहा है अभी, यहाँ पर जो शॉप होते हैं ना दुकान वाले को, तो चांदी चांदी है, कमाई भी उतनी है। और ये देखो, इस नेचुरल वातावरण में धंधा करने का अवसर मिला उसको भी। गाना सुनने में मजा आता है लेकिन इसमें कॉपीराइट आता है, इसलिए थोड़ा सा ही आप लोगों को सुनाने के लिए ही रखूंगा, बाकी मैं नहीं रखूंगा क्योंकि कॉपीराइट आता है दोस्तों। बाल गीले हो गए थे, देखो ये टकला दिख रहा है, देखो टकला, लेकिन क्या करे है जो है, मुझे अब कौन सी दूसरी शादी करनी है। मेरा बेटा जो साहिल है वो भी साथ में आना चाहता था, लेकिन दोस्तों ये देखिए अगली बार जरूर लाऊंगा उसके साथ में, जब पता चलेगा। मैंने ये ब्लॉग हिंदी में बनाने की कोशिश की है, और कोई भूल चुक हो तो इसके लिए सॉरी, बाकी जो हो सके वो कर लेना। हाँ, मजाक कर रहा हूँ।
दोस्तों अभी मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ क्योंकि मेरे पैर यहाँ से घुटनों से बहुत दुख रहे हैं, बहुत मतलब बहुत। अच्छा हुआ मैं अंबाजी से ही मैं वापस आ गया, अगर गुरु दत्तात्रेय तक मैं जाता तो पता नहीं मेरी हालत क्या होती। देखिए कैसा नजर आया, देखिए दोस्तों दोस्तों ये लोग ढस्सा से है, हमारे गारियाधर के पास से ही। तुम्हारा अनुभव क्या हो रहा है? एकदम बहुत मजा आया। मजा आया ना? थकान कैसे हो रही है? थकान थक क्यों लगे? थोड़ी होती है। आपका नाम क्या है? जयदीप। पढ़ाई करते हैं अभी या फिर नौकरी कर रहे हैं? ना पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा तो अभी थोड़ी देर ही अच्छा रहा था, अभी देखो फिर से धुमस आ रही है। देखो इसका मतलब हम अभी भी काफ़ी ऊपर है, इसका मतलब हमें काफ़ी अभी नीचे जाना है। और यहाँ लिखा है देखो 2200, यानी इतनी सीढ़ी अभी बाकी है, 2200 सीढ़ी अभी उतरना है हमको। बाप रे बहुत है, बहुत है, मुझे लगा आ गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी है, इसलिए थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी। अंधेरा हो जाए इससे पहले हमें उतरना होगा नीचे। आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ छोटी छोटी लाइटें दिखा दे रही है आप आपको। देखिए अभी तक काफ़ी ऊपर है हम लोग। और अभी अंधेरा होने वाला है और दोस्तों अभी 7:30 बजने वाले हैं, नहीं 7:30 बज गए हैं, 7:30 बज गए हैं दोस्तों। अभी अंधेरा हो रहा है और मैं अभी धीरे धीरे आराम से नीचे उतर रहा हूँ, और मेरा पैर भी बहुत दुख रहा है, बहुत मतलब बहुत पैर दुख रहा है, और अभी दाया पैर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी उखड़ जाएगा, अलग हो जाएगा, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ही मैंने किया कि मैं गुरु दत्तात्रेय तक मैं नहीं गया, वरना मैं वहाँ से वापस नहीं आ पाता, शायद मुझे वहाँ पर ही रुकना पड़ता कहीं पर, या फिर अंबाजी तक ही मैं आ पाता और वहीं पर मुझे रुकना पड़ता। अभी बिल्कुल मैं अकेला हूँ और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं। देखो हाँ
अभी दोस्तों काफी अंधेरा हो गया है, देखिए गाइस अभी मैं यहाँ पर नीचे उतर चुका हूँ, बस कुछ ही देर है अभी, अभी 8:30 बज गए हैं और अभी मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, पूरा शरीर पूरा बदन कांप रहा है और बहुत दुख रहा है पैर। चलो मिलते हैं अभी नीचे जाकर, अभी बात भी नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो दोस्तों अभी खाना खा लिया है और मैंने स्नान भी कर लिया है और कपड़े भी बदल लिए हैं और अभी यहाँ पर विल्लत बापू की जगह पर मैं सो रहा हूँ। ये देखो काफ़ी लोग भी यहाँ पर, दोस्तों बहुत थकान हो गई है, एक दवाई की एक कैप्सूल ली है, बस अभी सो जाना है बस। तो दोस्तों चलो मिलते हैं अब सुबह, और दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, थैंक यू।